नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना। हमारी पिछली क्लास में हमने एंट्रोपी को ताप आयतन फलन के रूप में व ताप दाब आयतन के रूप में ताप दाब के फलन के रूप में अध्ययन किया था। किस प्रकार से एंट्रोपी ताप आयतन व ताप दाब से में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो रही थी, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की। माना कि कोई पात्र है या कोई तंत्र है जिसमें आदर्श गैस भरी हुई है टी ताप पर, जिसका आयतन V है व दाब P है। यह तंत्र A अवस्था से DQ रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करके अवस्था बी में जा रहा है। ए में एंट्रोपी S1, आयतन V1 व ताप T1 है, और अंतिम अवस्था बी में एंट्रोपी S2, आयतन V2 व ताप T2 है। तो जो ये प्रोसेस हो रही है उसमें जो एंट्रोपी परिवर्तन जो होगा dS बराबर क्या होगा, dQ रिवर्सिबल अपॉन T, ये होगा। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो एंट्रोपी की परिभाषा थी उसमें भी देखा था। अब एंट्रोपी का मान जो दो वेरिएबल्स है ताप आयतन दाब में से कोई भी दो वेरिएबल लेकर निकाला जा सकता है। तो पहले जो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ ताप व आयतन की सहायता से एंट्रोपी चेंज हम ज्ञात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स dQ रिवर्सिबल बराबर क्या होता है, dE प्लस pdV। और हम जानते हैं cV बराबर क्या होता है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बराबर dE अपॉन dT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो dE बराबर क्या हो गया, cV dT। अब देखो इस पर प्रथम समीकरण में dE का मान ले जाकर यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, dQ रिवर्सिबल बराबर cV dT प्लस pdV, ये मान हमारे पास आ गया। क्योंकि एक मोल आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होगा, pV बराबर RT। तो उस समीकरण की सहायता से इस गैस का दाब क्या होगा, P बराबर RT अपॉन V, और इसका मान भी इस समीकरण में ले जाकर हम रख देते हैं। तो क्या आया हमारे पास निकल कर, dQ रिवर्सिबल बराबर cV dT प्लस RT dV अपॉन V। अभी आप जानते, जो फर्स्ट जो मैंने बात की एंट्रोपी की परिभाषा वाली, उसमें ये समीकरण है dS बराबर क्या था, dQ रिवर्सिबल अपॉन T। तो dQ रिवर्सिबल बराबर क्या आ गया, TdS, और इसका मान भी ले जाकर यहाँ रख देते हैं जो ये dQ रिवर्सिबल है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dS, और T को यहाँ नीचे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dT अपॉन T और T से T कैंसिल, तो RdV अपॉन V। तो ये समीकरण 5 आ गया। अब जो समीकरण 5 है इसका समाकलन कर देते हैं, किसमें लिमिट्स क्या दे रखी थी, एंट्रोपी S1, आयतन V1 और दाब इसमें आयतन V1 और ताप T1, उसमें हम कर देते हैं। और अंतिम में क्या था, इसमें था ताप ST2 और आयतन V2, एंट्रोपी क्या था आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हैं S2। तो इन लिमिट्स के मध्य समीकरण 5 का समाकलन करने पर, तो समाकलन हमने कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं S1 से S2, T1 से T2, V1 से V2। तो हमारे पास क्या आएगा, dS के लिए क्या आएगा समाकलन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डेल्टा S बराबर cV, और इसका क्या आता है, ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, तो T2 अपॉन T1 प्लस RLn V2 अपॉन V1। ये हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज निकल कर आया। तो यदि तंत्र में आदर्श गैस के क्या हो, n मोल हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n से गुणा कर देंगे, तो डेल्टा S बराबर nCVLn T2 अपॉन T1 प्लस nRLn V2 अपॉन V1, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब देखो ये तो किसके रूप में आ गया, ताप आयतन में चेंज करके और एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। अब क्या लें, दो वेरिएबल ताप व दाब लेते हैं। तो जो प्रथम अवस्था है और द्वितीय अवस्था है उन पर आदर्श गैस समीकरण लागू करते हैं। तो प्रथम अवस्था A के लिए P1 V1 बराबर क्या आ गया, RT1, तो R बराबर क्या हो गया, P1 V1 अपॉन T1। और द्वितीय अवस्था जो अंतिम अवस्था थी B, उसके लिए आदर्श गैस समीकरण क्या हो गया, P2 V2 बराबर RT2, तो R बराबर क्या आ गया, P2 V2 अपॉन T2। देखो ये क्या है, ये समीकरण किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट के, और ये वाला समीकरण भी किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट के। तो ये दोनों समीकरण भी क्या होंगे, बराबर। तो आप यहाँ देख लीजिए,
पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन टी टू। तो हमारे पास क्या आ गया, वी टू अपॉन वी वन बराबर पी वन टी टू अपॉन पी टू टी वन, यह आ गया। अब जो ये वी टू अपॉन वी वन का मान है समीकरण छः में ले जाकर रख देते हैं, तो डेल्टा एस बराबर सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एल एन पी वन टी टू अपॉन पी टू टी वन। अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आर एल एन पी वन अपॉन पी टू प्लस आर एल एन टी टू अपॉन टी वन। और इसको हम क्या कर देंगे, ये लिमिट समान करने के लिए टी टू अपॉन टी वन था तो यहाँ भी पी टू अपॉन पी वन करेंगे, जब पी टू अपॉन पी वन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आ गया, माइनस। अब देखिए यहाँ पर एल एन टी टू अपॉन टी वन दोनों वाले जो ये है इस पार्ट्स में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो सी वी प्लस आर एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। तो ये हमारे पास इस समीकरण का रूप निकल कर आया। और चूंकि वी नो सी पी माइनस सी वी बराबर क्या होता है, आर, ये किसके बराबर होता है, गैस कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, तो सी पी बराबर क्या आ गया, सी वी प्लस आर। तो यहाँ पर क्या था इस समीकरण में, सी वी प्लस आर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी पी। तो डेल्टा एस बराबर आ गया सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। क्या समीकरण निकल कर आया, समीकरण 10 निकल कर आया। अब देखिए अगर इस तंत्र में एन मोल आदर्श केस हो, आदर्श केस के कितने मोल हो, एन मोल, तो समीकरण 10 का क्या रूप हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। तो ये समीकरण 10 का रूप हो जाएगा 11। तो अब इससे स्पष्ट है कि जो एंट्रोपी चेंज है आदर्श गैस का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है। द एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस। तो ये आप क्लियरली इसमें दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे जो आदर्श गैस के विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन, तो अलग अलग प्रोसेस हम लेते हैं उनमें एंट्रोपी परिवर्तन का क्या फॉर्मूला होगा और किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात कर रहे हैं समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, वे प्रक्रम जिनमें प्रक्रम के दौरान हमेशा क्या रहता है, ताप स्थिर रहता है। अर्थात अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक ताप क्या है T1 और अंतिम ताप क्या है T2। तो ये ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या रहेगा, T1 बराबर क्या रहेगा, T2। तो इस स्थिति में जो समीकरण 7 और 11 था उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब T2 अपॉन T1 जो कॉमन सेम हो जाएगा तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा यहाँ से। तो और पहले समीकरण नंबर 7 में भी यही कहानी होगी कि ये T2 अपॉन T1 ये तो कॉमन समान हो गया, तो LN1 का मान क्या होगा, शून्य होगा, तो ये सारा हट जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा S बराबर अब हमारे पास क्या निकल कर आएगा समतापी प्रक्रम के लिए, डेल्टा एस टी, टी का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, बराबर एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो डेल्टा एस टी, अब एल एन है उसको बेस 10 में नेचुरल लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा एस टी बराबर क्या निकल कर आ गया, 2.303 एन आर लॉग वी टू अपॉन वी वन हमारे पास आया। और इसी प्रकार से जो समीकरण नंबर 11 था, इक्वेशन 11 थी, उसमें क्या था, T2 अपॉन T1 तो हट गया जो CP वाला पार्ट, तो डेल्टा एस टी बराबर माइनस एन आर एल एन पी टू अपॉन पी वन, या आप इसको P1 अपॉन P2 लिखेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे। और वैसे ही इसको बेस 10 में नेचुरल लॉग में इसमें चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पड़ेगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा एस टी बराबर माइनस 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1। अब आप यहाँ पर देखने वाली बात है, जो गैस का प्रसार हो रहा है, प्रसार का मतलब क्या हो रहा है, V2 इज ग्रेटर देन V1 और P1 इज ग्रेटर देन P2। जब दाब को कम करेंगे तभी तो गैस का प्रसार होगा, जो अप्लाइड प्रेशर कम करेंगे तो उसी स्थिति में गैस का क्या होता है, प्रसार, प्रसार में आयतन बढ़ता है। तो इसमें जो गैस का जो प्रसार हो रहा है उसमें एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस एंट्रोपी बढ़ती है। और संपीड़न में क्या होता है, आयतन घटता है, और जो P2 जो प्रेशर होता है, अप्लाइड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस वाली स्थिति में एंट्रोपी, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। अब जो दूसरा है, जो प्रोसेस है हमारे पास, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम क्या था, क्या थे,
कि वे प्रक्रम जिनमें प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहता है, जैसे आइस है, आइस 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और आइस किस में बदल जाता है, लिक्विड वाटर में, और लिक्विड वाटर को 1 एटमॉस्फेयर पे गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होके वो किस में बदल जाता है, गैस में। तो यहाँ पर जैसे पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीन में चेंज हो रहा है, जो वाटर था सॉलिड फॉर्म में, फिर लिक्विड और गैस में। तो इस प्रक्रम के दौरान दाब क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये एक किसका उदाहरण है, समदाबी प्रक्रम का। तो दाब स्थिर रहने का मतलब क्या हो गया, जो प्रारंभिक दाब व अंतिम दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी वन बराबर क्या हो गया, पी टू। तो अतः जो समीकरण 11 था उसको लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, क्योंकि जो समीकरण 11 में जो पी वन अपॉन पी टू वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो एल एन वन बराबर क्या आएगा, शून्य, वो हट जाएगा। तो डेल्टा एस पी, पी का मतलब समदाबी प्रोसेस प्रक्रम, बराबर क्या आ गया, 2.303 एन सी पी, सी पी क्या है, स्थिर दाब पर उष्माधारिता, लोग टी टू अपॉन टी वन। तो इस समीकरण की सहायता से समदाबी प्रक्रम के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एंट्रोपी चेंज। आप यहां देख सकते हैं कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर आदर्श गैस की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, पॉजिटिव है तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ती है। तो आप यहां देख सकते हैं। अब जो तीसरा प्रोसेस है, समायतनी प्रक्रम, समायतनी का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, इंग्लिश में आइसोकोरिक प्रोसेस। तो समायतनी प्रक्रम क्या होते हैं, वे प्रक्रम जिनमें प्रक्रम के दौरान आयतन क्या रहता है, स्थिर रहता है, वो क्या कहलाते हैं, समायतनी प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात जो प्रारंभिक व अंतिम आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो V1 अपॉन V2। तो अतः समीकरण 7 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, ये हमारे पास निकल कर आ गया। सी वी क्या है, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, तो डेल्टा S बराबर इसको नेचुरल लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस बराबर आ गया 2.303 एन सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन। तो आज हमने बात की आदर्श गैस के समतापी प्रसार में जो उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे हो रहा है, और जो अलग अलग प्रक्रम है उनमें एंट्रोपी चेंज किस प्रकार से हो रहा है, और इन समीकरण की सहायता से एंट्रोपी चेंज हम निकाल सकते हैं। अब आप इसमें इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सोल्व करेंगे, और तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।